बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्म सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरज आले मुहम्मद। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस, दीज आर रिडॉक्स रिएक्शंस विच इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर द रिडॉक्स रिएक्शंस। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ये एक इक्वेशन है जिसको हमने बैलेंस करना है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के ज़रिए। तो हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, कुछ इसके रूल्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे, तो उसके तहत हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो इजी हो जाएगा। सबसे पहले तो जो इक्वेशन आपको दी हुई हो, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन है जिसमें क्रोमियम जो है ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, Cl जो है ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और क्रोमियम वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी इसमें क्रोमियम की रिडक्शन हो रही है और Cl की ऑक्सीडेशन हो रही है। ये K2Cr2, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, दिस इन्वॉल्व्स द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, राइट स्केलेटन ऑफ गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन दी हुई है सबसे पहले आपने उसका ढांचा लिख जो है वो नोट कर लेना है, जो जैसे हो ऐसे ही आपने पेज के ऊपर लिख लेना है। तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, राइट स्केलेटन ऑफ गिवन इक्वेशन, उसका आपने स्केलेटन लिख लिया, नोट कर लिया। जैसे ये K2Cr2O7+HCl, KCl+Cr3+H2O और +H2O, ये आपने गिवन इक्वेशन का स्केलेटन लिख दिया। सेकंड है राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है। तो तमाम एटमों के ऊपर आपने ऑक्सीडेशन नंबर लिख देना है, जैसे ये हमने दूसरे स्टेप में किया K2Cr2O7+HCl एरो KCl+CrCl3+Cl2+H2O। अब 7 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है तो -14 आ जाएगा, 2 × 7 -14 ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा। पोटाशियम अल्कली मेटल है, इसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर का पता है, +1 होता है, 2 पोटाशियम में +2 आ जाएगा। अब क्रोमियम पे इतना चार्ज रखना है कि ओवरऑल आंसर 0 हो जाए, तो अब -14 + 2 तो -12 आ जाएगा, तो इसका मतलब इस पर +12 रखेंगे क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, +12 क्रोमियम पे रखेंगे तो तब ये 0 आंसर आएगा। तो K2Cr2O7, तो इसका मतलब यहाँ पे हमने +12 लिख दिया। HCl, Cl पे -1 चार्ज है, H पे जहर है, सीधी सी बात है +1 आ जाएगा, 0 हो जाएगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल में तमाम एटमों के ऑक्सीडेशन नंबर को जमा करें तो आंसर 0 होना चाहिए। KCl आ गया तो -1 आ गया Cl पे, पोटाशियम पे +1 आ जाएगा। CrCl3 -3 चार्ज आ जाएगा Cl पे, क्योंकि 3 Cl हैं तो क्रोमियम पे +3 आ जाएगा। Cl2 ये फ्री स्टेट में है, दोनों एटम Cl हैं, सेम है, तो 0 चार्ज आ जाएगा। +H2O ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है तो H2 पे +2 चार्ज आ जाएगा, तब ये 0 होगा आंसर, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अब राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम, ये तो हमने कर लिया। आइडेंटिफाई, अब इसके बाद आपने आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है एलिमेंट्स हुज ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। यहाँ पे पोटाशियम, एक पोटाशियम पे +1 है क्योंकि 2 पे +2 है, तो एक पे +1 है, इधर भी +1 है, नो चेंज। क्रोमियम +12 है तो एक पे +6 आ गया, इधर एक पे +6 है, इधर एक पे +3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, इधर और है और इधर +3 है, उधर +6 है, ये चेंज हुआ है, इसने चेंज शो किया है। फिर इसमें ऑक्सीजन -2 चार्ज है एक पे, तो उधर भी -2 है, कोई चेंज नहीं हुई। और HCl में हाइड्रोजन पे +1 है, तो इधर भी हाइड्रोजन पे एक पे +1 है, कोई चेंज नहीं है। Cl पे -1 है, इधर Cl2 पे 0 भी है और इधर -1 भी है, क्योंकि Cl3 है, -3 चार्ज है, तो एक Cl पे -1 चार्ज है। इसका मतलब ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, यहाँ पे Cl की एक ऑक्सीडेशन स्टेट में -1 चार्ज है और दूसरे में 0 चार्ज है। तो इस सूरत में आइडेंटिफाई एलिमेंट्स हुज ऑक्सीडेशन नंबर चेंज व्हेन एलिमेंट हैज़ टू ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑन राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ जाएं एक ही एलिमेंट की, देन ऐड एन अदर मालिक्यूल ऑफ दिस एलिमेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, इसी एलिमेंट का एक और मालिक्यूल आपने लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड कर देना है।
तो इधर इसमें दो ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, इसलिए एक HCl ऑलरेडी है, एक हम खुद से इसमें ऐड कर देंगे ताकि वो नो ऑक्सीडेशन स्टेट को दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करे। अब तो ये पहले से HCl था, ये हमने खुद से ऐड किया है। इसी एलिमेंट का एक और मॉलिक्यूल आपने लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करना है जिसमें दो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है राइट हैंड साइड पे। तो व्हेन एलिमेंट हैज़ टू ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑन राइट हैंड साइड तो देन ऐड एन अदर मॉलिक्यूल ऑफ दिस एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। और चौथा पॉइंट इसमें एलिमेंट्स हुज ऑक्सीडेशन नंबर चेंज जॉइन देम बाई एरो, जिनका ऑक्सीड क्रोमियम प्लस एक पे प्लस सिक्स है क्योंकि प्लस 12 है दो पे, तो एक पे प्लस 6 इंटू 2 12 आ जाएगा, प्लस 6 है तो इधर प्लस 3 है, तो इसको आपने एरो से मिला देना है। ज़रूरी नहीं कि एरो नीचे लगाना, ऊपर लग जाए तो दूसरा नीचे लग जाएगा। इधर सी एल पे माइनस 1 चार्ज है, इधर 0 है, तो इस सी एल को आपने इधर इससे सी एल से ज्वाइन कर देना है। तो ये एलिमेंट्स हुज ऑक्सीडेशन नंबर चेंज एलिमेंट्स हुज ऑक्सीडेशन नंबर चेंज जॉइन देम बाई एरो। पाँचवा पॉइंट राइट गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द एरो बाई ऑब्जर्विंग लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को देखकर आपने गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये प्लस 6 है तो प्लस 3 है इस पे क्रोमियम पे, इसका मतलब इसकी रिडक्शन हो रही है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर कम हो तो रिडक्शन है, दूसरा इसके अपोजिट होगा वो ऑक्सीडेशन होगा, एक को आपने आइडेंटिफाई कर लेना है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े तो ऑक्सीडेशन है जो मेटल का है, और अगर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो तो वो रिडक्शन है। तो ये पॉजिटिव कम हुई है, प्लस 6 से प्लस 3 में जा रहे हैं तो रिडक्शन है, तो प्लस 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन होंगे क्योंकि यहाँ पे एक क्रोमियम है उसकी इधर प्लस 3 उस पर चार्ज है, तो एक क्रोमियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो सीधी सी बात है 2 क्रोमियम वो प्लस 6 और प्लस 3 में 3 का फ़र्क है, तो 2 क्रोमियम है तो ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इस तरह भी लिख सकते हैं प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्योंकि 2 क्रोमियम है, दिस इज इक्वल टू प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन 2 क्रोमियम गेन करके रिड्यूस होंगे, प्लस 3 एन पे चार्ज आ जाएगा। दूसरी तरफ Cl है, Cl पे माइनस 1 चार्ज है, इधर 0 है, तो इसका मतलब Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तब वो 0 में, आपने इधर एक ही एटम है तो इस वजह से माइनस 1 आएगा। अगर दो HCl होते तो फिर हम माइनस 2 लिखते, यहाँ पे 2 से ज़रब देके 3 होते तो माइनस 3 आ जाता। तो इसको आपने लेफ्ट हैंड साइड को आपने देखना है, राइट हैंड साइड को नहीं देखना जब आपने इक्वेशन बैलेंस करनी है। तो एलिमेंट्स हुज ऑक्सीडेशन नंबर चेंज जॉइन देम बाय एरो राइट गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द एरो बाय ऑब्जर्विंग लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेट गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह है कि इसको 1 को आपने 6 से ज़रब दे देनी है और 6 को आपने 1 से ज़रब दे, यानी उसको इधर मल्टीप्लाई कर देना, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। अब 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 बगैर सिंबल के मल्टीप्लाई कर देना, और माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 6, यानी ये अदद जो है ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये अदद इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा जो अपोजिट है, क्रॉस हो जाएगा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 तो माइनस 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो अब आपके पास ये आ गया प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ये दोबारा लिख लें इसमें K2Cr2O7। जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो अब बेशक सब पे चार्ज ना लिखें, उन्हीं के चार्ज लिखें जिनके ऊपर जो है आपने जिनके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे हैं। तो K2Cr2O7 प्लस HCl प्लस HCl एरो KCl CrCl3 प्लस Cl2 प्लस H2O, Cl2 का चेंज हुआ है 0 आ गया, क्रोमियम का चेंज हुआ है प्लस 3 आ गया, इधर प्लस 6 इंटू 2 या 2 क्रोमियम है तो एरो से ज्वाइन कर दिया, इस Cl को आपने इस HCl को इस Cl2 से ज्वाइन कर दिया, ये माइनस 1 है ये प्लस ये 0 है, बाकियों का चेंज नहीं हुआ। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया 6 को 1 से तो प्लस 6 आ गया, माइनस 1 को 6 से तो माइनस 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब आपके पास है K2Cr2O7 प्लस 6HCl, जिस डिजिट से आपने इधर मल्टीप्लाई करना है राइट हैंड साइड पे भी आपने मॉलिक्यूल से, मसलन इधर 1 से मल्टीप्लाई किया है आपने यहाँ पे, तो आपने 1 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इस बार आपने 6 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी आपने 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। इक्वेट गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई कंपाउंड हैमिंग एलिमेंट दिस एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन नंबर चेंज विद दिस सूटेबल डिजिट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपने मल्टीप्लाई करना है तो 6 से भी और इसको 1 से, तो ये आ जाएगा K2Cr2O7 प्लस 6HCl प्लस HCl
एरो के सी एल सी आर सी एल थ्री प्लस सी एल टू प्लस एच टू ओ, ये माइनस वन है, ये ज़ीरो चार्ज है, ये प्लस सिक्स इंटू टू है तो ये प्लस थ्री इस पे चार्ज है सी एल पे, ये सी एल क्रोमियम पे। अब इसमें ये प्लस सिक्स हैं, इधर जिस एरो से ज्वाइन किया इधर सी एल जो है वो दो हैं, तो आपने क्या करना है, इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर देना है, इसको भी सिक्स कर देना है। मल्टीप्लाई, ये अगला रूल देखें तो मल्टीप्लाई कंपाउंड हैमिंग एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन नंबर चेंज विद द सूटेबल डिजिट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेट एटम्स हुज ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, इनको आपने बराबर कर देना। इधर कितने हैं, सी एल सिक्स हैं, तो इसको थ्री से ज़रब दे के आपने इसको भी क्या कर दिया, सिक्स कर दिया। इधर क्रोमियम दो हैं, तो इसको आपने सी आर सी एल थ्री को दो से ज़रब दे के पूरे कंपाउंड को, तो ये भी दो कर दिए आपने, तो ये आपके पास आ जाएंगे। इक्वेट एटम्स हुज ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, बैलेंस रेस्ट इक्वेशन इंस्पेक्शन बाई इंस्पेक्शन मेथड, बाकी आपने ट्रायल एंड एरर मेथड से बैलेंस करना है। के टू सी आर टू ओ सेवन प्लस सिक्स एच सी एल प्लस एच सी एल एरो के सी एल प्लस सी आर सी एल थ्री प्लस सी एल टू प्लस एच टू ओ, तो आपके पास इधर सी एल जो हैं वो जो जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ, ये देखें तो दो ये हैं और तीन ये हैं, थ्री टू टाइम सिक्स ये हैं, तो सिक्स और टू क्या हो गए एट, इस एच सी एल को आपने एट से मल्टीप्लाई कर देना है। बाकी पोटाशियम इधर दो हैं, तो इधर आप पोटाशियम को दो से ज़रब दे दें, तो ये भी बैलेंस हो जाएंगे। अब हाइड्रोजन इधर कितने हैं, एट और सिक्स फोर्टीन है, तो इसको सेवन से एच टू ओ को ज़रब दे दें, तो आपके पास आ जाएगा के टू सी आर टू ओ सेवन प्लस फोर्टीन एच सी एल एरो, इसी तरह रहन दें या इसको जमा करके फोर्टीन एच सी एल कर दें, फोर्टीन एच सी एल एरो टू के सी एल प्लस सी आर टू सी आर सी एल थ्री प्लस सी थ्री सी एल टू प्लस सेवन एच टू ओ, तो इस तरह से ये इक्वेशन आपके पास क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ये है तरीक़ाकार, ये हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस, ये रूल्स मैंने आपको बता दिए, कोई भी इक्वेशन हो सकती है उसको बैलेंस कर सकते हैं इन रूल्स के तहत।